नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। बेसिकली हम लोग एक एमएस वर्ड की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक एमएस वर्ड के हर एक ऑप्शंस को कवर करेंगे, यानी हर एक पॉइंट को कवर करेंगे जिसका यूज़ आपके प्रोफेशनल वर्क के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमएस वर्ड आखिर है क्या। एमएस वर्ड बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। जिस तरह से आपका एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सिस है, आउटलुक है, उसी तरीके से आपका एमएस वर्ड भी एमएस ऑफिस का एक छोटा सा पार्ट है एप्लीकेशन का। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? बेसिकली इसका यूज़ होता है किसी भी असाइनमेंट को तैयार करने के लिए, किसी भी बुक को छापने के लिए, कोई भी लेटर तैयार करने के लिए, कोई भी आर्टिकल लिखने के लिए, कोई जनरल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, या किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, या आपकी जो प्रॉपर्टी के पेपर्स बनते हैं, डीड्स वगैरह बनती हैं, वो तैयार करने के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि एमएस वर्ड का जो बेसिकली यूज़ होता है वो कम्प्लीटली डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है वो सारा का सारा आपका एमएस वर्ड के अंदर होता है। अब बेसिकली हम इसको स्टार्टअप कैसे करते हैं, यानी इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? तो अगर आपके सिस्टम में एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और आपको एमएस वर्ड ओपन करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो की के साथ आर। विंडो की के साथ आर दबाने के बाद आपके सामने रन बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इस रन बॉक्स में आपको इसकी रन कमांड टाइप करनी होगी, विन वर्ड। इसे आप सिंपली टाइप भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले से ही टाइप कर रखा था, तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं WINWORD, विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करते ही जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस में आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि जिसकी मदद से आप एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग यहाँ पर ब्लैंक पेज को सेलेक्ट करेंगे और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये हमने कुछ फाइल्स यहाँ पर पहले से बनाई हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशंस बनाया हुआ है जो रिसेंट फाइल हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एमएस वर्ड का जो पेज है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये तो था तरीका एमएस वर्ड को ओपन करने का। अब इसको मैं यूज़ कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब इसके अंदर हम एक कमांड टाइप करेंगे इज इक्वल टू RAND, रैंड लिखेंगे, शिफ्ट के साथ को ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर 5 पैराग्राफ रैंडमली इंसर्ट हो जाएगा। इस पैराग्राफ का बेसिकली यूज़ किया जाता है इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए, यानी इन सभी ऑप्शंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें पैराग्राफ चाहिए। तो जो बेसिकली एमएस वर्ड ने हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है हिडन करके, हम इस कमांड को जैसे ही पुट करते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहें यहाँ पर एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ इंसर्ट करना, तो सिंपली आपको इक्वल टू डालना है, RAND रैंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है उतने पैराग्राफ जितने आपको चाहिए। जैसे हमने वन लिखा, वन लिखने के बाद जैसे हम ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने सिर्फ सिंगल वन पैराग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। तो सिंपली आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में तो पता ही होगा कि कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा जिससे आप बिना ऑप्शन को यूज़ किए बिना किसी भी डेटा का कट या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि हमने इस वाली लाइन को कट करके नीचे लाना है, बट ना तो आपको ऑप्शन का यूज़ करना है और ना ही आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना है, तो आप कैसे इसको कट करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डेटा को सेलेक्ट करके रखना है जिसको आपको कट करना है, उसके ऊपर कर्सर लेकर जाना है, माउस से क्लिक को दबा के रखना है और खींच कर नीचे की तरफ ले आना है। तो आप देखेंगे हमारा वो मैटर ऊपर से हटकर नीचे की तरफ यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप कट पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि इस वाली लाइन को आपको कॉपी पेस्ट करना है, बट ना तो ऑप्शन का यूज़ करना है और ना ही किसी शॉर्टकट की का यूज़ करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल को दबा के रखना है और सिंपली खींच कर नीचे की तरफ ले आना है। जैसे आप खींच कर नीचे की तरफ लाएंगे तो आप देखेंगे हमारा ये मैटर वहाँ से ऊपर से कॉपी होकर के नीचे की तरफ पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं बिना ही ऑप्शन का यूज़ किए बिना। ये तो छोटी सी ट्रिक थी। इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे मान लीजिए हमने इस मैटर को सिलेक्ट किया, इसके साथ हमें दूसरा मैटर भी सिलेक्ट करना है, बट ये जो पहला सिलेक्शन हमने किया था वो यहाँ से हट जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम ये भी सिलेक्ट कर लें, हम ये भी सिलेक्ट कर लें, हम ये भी सिलेक्ट कर लें, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली एक डेटा को सिलेक्ट करना है और इसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको कंट्रोल को दबा के रखना है और जिस भी मैटर को आप सिलेक्ट करेंगे
वो मैटर यहाँ से आपके सामने सेलेक्ट होता चला जाएगा और एक साथ आप इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिलेक्शन आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टली सिलेक्शन कर लेते हैं किसी भी डेटा को, अगर हम सेलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपको डेटा वर्टिकल सेलेक्ट करना है, तब आप क्या करेंगे, अगर हम इसको वर्टिकल सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट हो रहा है हमारा पूरा का पूरा डेटा। और अगर आपको वर्टिकल सेलेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबा के रखना है और यहाँ से आपको खींचकर इस तरीके से वर्टिकली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और जब भी चाहें इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करके नीचे की तरफ जहाँ भी चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्टिकल सिलेक्शन भी कर सकते हैं ऑल्ट की मदद से। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी डेटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग कहीं पर पेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल सी से और नीचे ले जा करके हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से दूसरे डेटा को सिलेक्ट किया, इसको हमने कॉपी किया और इसको भी नीचे ले जा करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमने पहले कॉपी किया था, यानी पहला जो डेटा हमने कॉपी किया था, मैं उसको पेस्ट करना चाहता हूँ नीचे, यानी इस वाले डेटा को मैं दोबारा से पेस्ट करना चाहता हूँ बट दोबारा कॉपी नहीं करना चाहता, यानी बिना कॉपी करे इस डेटा को फिर से कैसे पेस्ट किया जा सकता है। तो आपको बताऊँ यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी यहाँ पर क्लिपबोर्ड का एक फंक्शन खुल जाएगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। बेसिकली इस क्लिपबोर्ड का यूज़ किया जाता है कि आप सिस्टम में किसी भी जगह पर कुछ भी कॉपी या पेस्ट करते हैं, वहाँ से डेटा को कॉपी करने के बाद अगर आप कहीं भी पेस्ट करते हैं तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर एक क्रोम ओपन कर लेते हैं, गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम एक वेबसाइट खोलते हैं, जैसे हमने अपनी वेबसाइट खोली एक्सेल इन्फोटेक, और इस वेबसाइट को खोलने के बाद यहाँ पर हम कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मान लीजिए हमने किसी डेटा को कॉपी किया, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जैसे हम वापस से एमएस वर्ड के अंदर आएंगे तो आप देखेंगे हमने जो भी डेटा यहाँ पर कॉपी किया था वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। हमें पेस्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ क्लिक करके रखना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हमारा जो डेटा होगा वो यहाँ पर खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे हैं, वहाँ से आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं और वो डेटा आपका यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप पूरे सिस्टम में कहीं से कुछ भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली उसको पेस्ट कर सकते हैं बिना पेस्ट ऑप्शन का यूज़ किए बिना। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक PDF फाइल सेलेक्ट की और इसको F2 करके इसके नाम को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। अब कॉपी करने के बाद हम चले गए कहाँ, वापस से एमएस वर्ड के अंदर, आप देखेंगे वो नाम यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। जैसे इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे सिस्टम में कहीं से भी कोई भी डेटा कॉपी करते हैं तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो जाती है। बेसिकली इसके अंदर 22 हिस्ट्री आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए 1 से 22 तक हिस्ट्री आप सेव कर सकते हैं और उन 22 हिस्ट्री को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमने आप दूसरा वाला डेटा पेस्ट करना है तो वहाँ पर क्लिक करके जैसे इस डेटा पर हम फिर से क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारा दोबारा से पेस्ट हो जाएगा जबकि हमने इसको दोबारा कॉपी नहीं किया। इन सभी ऑप्शंस को समझने के लिए एक पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो पैराग्राफ लेने के लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे RAND रैंड लिखेंगे। रैंड लिखने के बाद शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारे सामने 5 पैराग्राफ यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इन सभी पैराग्राफ का यूज़ करते हैं हम इन सभी ऑप्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर कट का। कट का जो यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी डेटा को आपको एक जगह से हटाना है तो उस डेटा को सबसे पहले हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कट का यूज़ करना है। जैसे आपने इसको कट किया आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ से हट गया और जहाँ पर भी आप जा करके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब भी आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा एज इट इज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यानी कट का जो मतलब था वो किसी डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपी का। तो कॉपी का मतलब होता है जैसे हमने किसी भी डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने इसकी कॉपी कर ली। अब इसने क्या किया, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हो गई हमारे पास। इस डाटा को हम कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो डेटा हमारा यहाँ पर था वही सेम डेटा हमारा नीचे भी रिप्रेजेंट हो गया।
तो इस तरीके से आप कट कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे कट करें या कॉपी करें, दोनों ही सिचुएशन में आपको पेस्ट करना मस्ट है। बिना पेस्ट किए आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर आपने कट किया है तो कट करने के बाद भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा, और कॉपी किया है तो कॉपी के बाद भी आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ये तो एक सिंपल कॉमन ऑप्शन था। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग फॉर्मेट पेंटर की। अब फॉर्मेट पेंटर कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने इसको किसी फॉर्मेटिंग में चेंज कर दिया, या हमने मैटर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मान लीजिए हमने इसको किसी हेडिंग में या किसी स्टाइल में चेंज कर दिया। अब मान लीजिए कि ये जो स्टाइल है ये मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से लिया, या मुझसे गलती से हमने ले लिया इसको और ये मुझे स्टाइल अच्छा लगने लगा, और यही सेम स्टाइल मुझे नीचे पैराग्राफ पर भी कहीं पर देना है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उस हेडिंग को ढूंढने की सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस हेडिंग पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ब्रश यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस ब्रश को जिस भी पैराग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे यानी डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसके जैसा बन जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जैसे हमने इसको एक बार यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो हमारा जो ब्रश था यहाँ से हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा और भी दो चार जगह पर इसको मैं ब्रश का यूज़ करना चाहता हूँ, तो बार बार मुझे फॉर्मेट पेंटर को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसे लॉक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक बार, और फॉर्मेट पेंटर पर जा करके आपको दो बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने दो बार इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपका ब्रश यहाँ पर फिर से आ गया, और जिस भी डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो डेटा यहाँ पर उसके जैसा बनता चला जाएगा। ये देखिए, तो आप फॉर्मेट पेंटर को लॉक भी कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए आपको इस पर सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा। आप देखेंगे आपका यहाँ से जो ब्रश था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर का। अब पेस्ट के अंदर आप देखेंगे आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का। तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब, जैसे हमने किसी भी डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नीचे जा करके हमने यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर एज इट इज़ पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल पेस्ट यूज़ होता है, सेम एज इट इज़ आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है मर्ज फॉर्मेटिंग। अब मर्ज फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया, हमने इसमें कलर भी फिल किया हुआ है यानी कलर चेंज किया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, या अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद नीचे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अगर हम सेकेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे हमारा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तो आया, जो हमने फॉर्मेटिंग की थी वो तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुई, लेकिन जो कलर हमने इसमें डाला हुआ था टेक्स्ट के अंदर वो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसलिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन का, मर्ज फॉर्मेटिंग का। अब इसके बाद आप देखेंगे थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा पिक्चर ऑप्शन है, यानी पिक्चर फॉर्मेट है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या, आपकी जो ये डेटा है वो एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इस पर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही आपके सामने काफ़ी सारे पिक्चर के फॉर्मेट ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी डेटा को पिक्चर फॉर्मेट में इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहें तो पेस्ट स्पेशल में जा करके आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको हम क्लियर करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद हमने डेटा को वापस से यहाँ से सिलेक्ट किया, ये वापस से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जा करके हमने नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ किया, कीप टेक्स्ट ऑनली। मतलब हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, ना तो हमें फॉर्मेटिंग चाहिए, ना हमें कलर चाहिए, ना हमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ओनली फॉर टेक्स्ट चाहिए। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे कीप टेक्स्ट का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने जो डेटा रिप्रेजेंट हुआ वो इस डेटा को हमने कॉपी किया था, और ये डेटा हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ, जो भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर थी वो सारी की फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग की गई है और आप उसे एक नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। पेस्ट स्पेशल किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद नीचे आना है, जहाँ भी आपका ब्लैंक स्पेस हो वहाँ पर जाना है आपको, और वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल यूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट यानी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपका जो डेटा होगा वो वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डेटा तो हमारा सेम एज इट इज़ वैसा ही पेस्ट हुआ, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन के आ गया। ये बॉर्डर बेसिकली क्या है, एक पैराग्राफ का सिंबल होता है। इससे पता चलता है कि हमारा जो भी डेटा है वो एक पैराग्राफ में बंद है। तो इस तरीके से आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर हम ले चलते हैं, उस पर आपको वापस से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह की एक्सटेंशंस हैं, यानी कि जो भी फाइल हम जो भी डेटा को कॉपी कर रहे हैं उस डेटा को आप किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका RTF फॉर्मेट हो। RTF का मतलब होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि जो वर्डपैड की फाइल होती है, वर्डपैड में जो हमारा डेटा होता है, जो टेक्स्ट होता है, उस फॉर्मेटिंग में ये हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है, उसी तरीके से यहाँ पर पिक्चर इनहेंस टेक्स्ट है, उसी तरीके से HTML फॉर्मेट है, और यहाँ पर अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, दूसरा ऑप्शन हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा ये जो डेटा है वो बेसिकली RTF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होगा, जब इसको हम कहीं अदर प्लेस पर पेस्ट करेंगे तब आपको ये फॉर्मेट नज़र आएगा कि आपका ये जो डेटा है वो RTF फॉर्मेट में कन्वर्ट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इस पर हम सेलेक्ट करके जैसे इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हमारा टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग थी उसको यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमारा जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसा कि आप पेस्ट स्पेशल में यहाँ पर हमने एक और ऑप्शन यूज़ किया था, यहाँ पर आप देखेंगे कीप टेक्स्ट ओनली का, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन मोस्टली सेम ही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर पिक्चर है जो कि हमने अभी यूज़ किया पिक्चर फॉर्मेट वाला। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये वापस से पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा जो कि हमने अभी रिसेंटली यूज़ किया। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यूनिकोड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी एक्सटेंशन में इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन की और हम बात करें जो कि काफ़ी यूज़फुल है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डेटा को क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं। सिंपल टेक्स्ट लेने के बाद हम किसी भी डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने नीचे क्लिक किया, नीचे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने यूज़ किया पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल यूज़ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा पेस्ट लिंक का। पेस्ट लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ओके करेंगे तो एज इट इज़ डेटा तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, लेकिन हुआ क्या, इसके साथ एक लिंक भी जनरेट हो गया है। यानी कि जब भी इस वाले पैराग्राफ पर आकर के आप डबल क्लिक करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे उस जगह पर जहां से आपने इस डेटा को कॉपी किया था। तो यानी कि इसने क्या किया, एक तरीके से लिंक जनरेट कर दिया आपकी फाइल के अंदर, यानी कि एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप किसी भी डेटा को लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेस्ट लिंक के सभी ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। तो मोस्टली हमने क्लिपबोर्ड के सभी ऑप्शन का यूज़ यहाँ पर सीख लिया है, लेकिन एक छोटा सा कॉमन ऑप्शन आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कवर कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक छोटा सा कॉर्नर में क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी बहुत सारी हिस्ट्री सेव्स हैं। इन सभी हिस्ट्रीज को पहले हम यहाँ से क्लियर ऑल कर लेते हैं, यानी क्लियर कर लेते हैं। अब आपको बताते हैं इसका यूज़ क्या होता है। मोस्टली क्या होता है कि अगर हम किसी डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करके अगर हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद वो डेटा यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया। अब इसके बाद हमने किसी दूसरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट किया, उसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसको हम यहाँ पर पेस्ट अगर करते हैं तो वो भी डेटा हमारा पेस्ट हो गया। लेकिन अब मान लीजिए कि मुझे ये जो पहले हमने डेटा पेस्ट किया था ये वाला डेटा मुझे दोबारा पेस्ट करना है बट कॉपी नहीं करना, तो कॉपी ना करने के बजाय आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर आपकी 24 हिस्ट्री सेव होती हैं जो भी आपने डेटा कॉपी कर रखा है। तो जैसे हमने पहले ये डेटा कॉपी किया था, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका डेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि 22 हिस्ट्री आप इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, और पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए आपको प्रेस करना है RANT रैंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 5 पैराग्राफ ओपन हो जाएंगे। बेसिकली इन पैराग्राफ का जो यूज़ किया जाता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इसका यूज़ बेसिकली इन सभी ऑप्शन को समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से हमने इन ऑप्शन को समझने के लिए यहाँ पर पैराग्राफ को इंसर्ट कर लिया है। अब इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉन्ट में, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। अगर आप किसी मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके मान लीजिए हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से चाहें तो फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के आपके सामने स्टाइल्स हैं, इसमें से आप किसी भी स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। आप यहाँ पर जो भी साइज रखना चाहें वो साइज यहाँ पर इजिली मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका यूज भी आपका फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फॉन्ट इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर यही फॉन्ट हमारा डिक्रीज भी हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल के साथ ब्रैकेट क्लोज से या ब्रैकेट ओपन का यूज करते हैं तो भी आप इसके फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वो है चेंज केस। चेंज केस में सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आएगा सेंटेंस केस। बेसिकली सेंटेंस केस का जो बेसिकली यूज किया जाता है वो यूज होता है कि इसमें पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल होता है और बाकी सारे के सारे वर्ड स्मॉल होते हैं। पहले से ही हमारा जो पैराग्राफ है वो सेंटेंस केस के अंदर है तो इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं लोअर केस। लोअर केस का जैसे ही हम यहाँ पर यूज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल हो गए, कोई भी कैपिटल वर्ड आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। और अगर आप सभी वर्ड्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अपर केस। अपर केस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी वर्ड्स होंगे वो सभी आपके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखेंगे आप कैप्सलाइज है। कैप्सलाइज ईच वर्ड का बेसिकली जो यूज होता है वो हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी और ए, पावरफुल का पी, ये सभी वर्ड्स हमारे कैपिटल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा चेंज केस है वो है टुगल केस। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे पैराग्राफ के जितने भी वर्ड हैं वो सभी कैपिटल हैं, जो शुरुआत का पहला वर्ड है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी सभी वर्ड्स हमारे कैपिटल होंगे। तो मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेंटेंस केस का, क्योंकि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारे के सारे वर्ड्स हमारे स्मॉल होने चाहिए। तो इसलिए हम जो यूज करते हैं मोस्टली सेंटेंस केस का ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का जो बेसिकली यूज होता है, अगर मान लीजिए हमने इस पैराग्राफ का फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया है, यहाँ से हम इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर देते हैं, यहाँ से हम इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ से आप जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहें वो फॉर्मेटिंग हमने इसमें यूज कर ली है। और जैसे हम यहाँ पर क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसके अंदर की थी एक्स्ट्रा वो सभी के सभी रिमूव हो जाएगी। जैसा हमारा ये मैटर शुरुआत में था बिल्कुल वैसा हमें ये नजर आएगा। तो इस तरीके से आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई डेटा छेड़ दिया, किसी वर्ड को बड़ा, छोटा, कैपिटल, स्मॉल या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया है, तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से जितने भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो ये यूज है हमारे क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बोल्ड का। बोल्ड का मतलब आप किसी लाइन को, किसी वर्ड को सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं, यानी उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है आप किसी वर्ड को इटैलिक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो ये लाइन थी वो इटैलिक में हो गई, यानी हल्की सी तिरछी हो गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अंडरलाइंस का। आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करके, किसी पैराग्राफ लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे अंडरलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन आ गई और अंडरलाइंस के अंदर भी आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के अंडरलाइंस हैं। इसमें कोई भी अंडरलाइंस आप यूज कर सकते हैं, कोई भी डबल या सिंगल या फिर डॉट्स का यहाँ पर आप कोई भी अंडरलाइन यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्राइक का। स्ट्राइक का मतलब होता है मान लीजिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमने ये वाली लाइन जो लिखी है वो गलत लिखी हुई है, तो आप यहाँ पे उससे स्ट्राइक लगा सकते हैं। स्ट्राइक लगाने से आपको दिखाई देगा कि इसके लाइन के ऊपर एक लाइन खिंच जाएगी जिससे ये पता चलेगा कि ये लाइन हमारी गलत है। तो आप इस तरीके से स्ट्राइक दे सकते हैं या अगर आपका डुप्लीकेट वर्ड हो गया है तो उसको भी स्ट्राइक के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सबस्क्रिप्ट एंड दूसरा ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं CO2 और CO2 लिखने के बाद इसके फॉन्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम 2 को सिलेक्ट करते हैं और यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो आप देखेंगे हमारा जो 2 का स्क्वायर था वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और अगर हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट तो हमारा 2 का स्क्वायर जो था वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं, इसमें किसी भी फॉर्मेट में आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसकी आउटलाइन का कलर आप चेंज करना चाहें, इसके पीछे शेडो का आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें, आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन देना चाहें किसी भी फॉन्ट का या फिर ग्लोइंग देना चाहें, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इन सभी का यूज़ करके आप अपने फॉन्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको नजर आएगा फॉन्ट कलर चेंज करने का, यानी फॉन्ट हाईलाइट करने का। जैसे मान लीजिए हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने कोई कलर यहाँ पर फिल कर दिया। अब आप देखेंगे हमारी ये जो लाइन थी वो हाईलाइट होकर के यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, और अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसको वापस से सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर, और वापस से उसी ऑप्शन पर जा करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा नो कलर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड में कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहें तो किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका कलर रेड कर दिया। इसी तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर कलर्स हैं, आप कोई भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा यहाँ पर मोर कलर्स का, इस पर अगर आप क्लिक करके आप यहाँ पर कस्टम कलर में जा करके कोई भी कलर एक्स्ट्रा बनाना चाहें तो आप यहाँ पर बना भी सकते हैं, वही कलर आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं, और पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए हमें टाइप करना होगा इक्वल टू RAND रेंड लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस करना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर 5 पैराग्राफ ओपन हो जाएंगे, और इसके बाद इन सभी ऑप्शन का हम यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, जो कि है बुलेट्स। बुलेट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंट कराना है तो आप बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। बुलेट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे की तरफ आपको बुलेट्स आ जाएगा, और यहाँ पर आप जो भी पॉइंट लिखना चाहें वो टाइप करके यहाँ पॉइंट टू पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपको ये बुलेट्स नहीं चाहिए, तो आप इसे हटाने के लिए आपको एक बार और एंटर प्रेस करना होगा बिना कुछ लिखे, तो आपका जो बुलेट का पॉइंट था वो यहाँ से हट जाएगा। सिंपली जैसे आप पैराग्राफ टाइप करते हैं वैसे आप इसे टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बुलेट्स के अंदर भी बहुत सारे स्टाइलिश बुलेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी बुलेट्स का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट्स का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चाहें तो सिंबल को बुलेट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिंबल पर क्लिक किया, सिंबल पर क्लिक करने के बाद इसमें जितने भी सिंबल्स हैं इसमें और भी सिंबल्स हैं, आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी सिंबल लेना चाहें यहाँ से आप सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए इसमें से हम किसी एक सिंबल को बुलेट्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम मान लीजिए इस सिंबल को ले लेते हैं। इस सिंबल को लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी ओके प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जो हमने सिंबल लिया था उसका बुलेट यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, और अब आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, इस पर हम क्लिक करके डिफाइन बुलेट्स पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा पिक्चर का एक ऑप्शन। पिक्चर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट पिक्चर का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इसके अंदर आप जहाँ से भी पिक्चर को लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर से पिक्चर को लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी ब्राउज़र से इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बिंग ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी ड्राइव पर यानी आपकी पर्सनल ड्राइव पर अगर कोई डाटा रखा हुआ है, कोई इमेज रखी हुई है, तो आप यहाँ से भी उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे बिंग इमेज सर्च, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने इमेजेस नज़र आ जाएंगे। इसमें से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट करके उसका बुलेट यहाँ पर बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं एप्पल, एप्पल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पर एप्पल्स नज़र आएंगे। जिस भी एप्पल का आपको बुलेट बनाना है उस एप्पल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके बुलेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका बुलेट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो बुलेट था पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ बुलेट, यानी किसी इमेज को अगर आप बुलेट बनाना चाहें तो आप इस ऑप्शन की मदद से आप इसे ईजिली बना सकते हैं। इस पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बुलेट था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके इन सभी ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी फॉन्ट का बुलेट्स बना सकते हैं, या यहाँ से आप चाहें तो आप अपने बुलेट्स के फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको लेफ्ट में अभी एडजस्ट करना चाहते हैं या सेंटर में, सेंटर पे करेंगे तो आपका जो बुलेट होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेंटर में एडजस्ट हो गया। अगर आप यहाँ से राइट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बुलेट था वो हल्का सा राइट की तरफ चला गया, और अगर आप लेफ्ट करेंगे तो आपका जो बुलेट था वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसके अलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, बुलेट्स के अलाइनमेंट्स को आप इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, और इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर नंबरिंग के बुलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपको नंबर्स के बुलेट्स नज़र आएंगे। का खा गा का बुलेट नज़र आएगा, 1 2 3 4 का बुलेट्स नज़र आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको यूज़ किया, इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे बुलेट्स हैं। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग के बुलेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट्स के काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें से क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये हिंदी का 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट किया और यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे वही नंबर आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश जो भी चाहें वो यहाँ पर आप ईज़िली यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर लेवल्स का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरीके के लेवल्स भी बना सकते हैं, जैसे 1 के अंदर ABCD अल्फ़ाबेट देना चाहें, या आई बटन के अंदर अल्फ़ाबेट देना चाहें, या ABCD के अंदर अल्फ़ाबेट देना चाहें। तो यहाँ पर आप पॉइंट के अंदर पॉइंट आप चाहें तो ईज़िली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेट नंबरिंग वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स वैल्यू आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ से इंक्रीज़ कर दिया, 10 दे दिया और जैसे ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वही नंबर वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सभी ऑप्शंस का आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखाई देगा डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट्स। अगर आप कोई सेक्शन बना रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई सेक्शन रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका आर्टिकल फर्स्ट आ गया। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करके जो भी मैटर लिखेंगे तो ये सारा का सारा आपका आर्टिकल बनता चला जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो सेकेंड आर्टिकल भी यहाँ से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल, पैराग्राफ, सिंबल्स वगैरह देने के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन है जो कि आपके पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एडजस्ट करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा हल्का सा लेफ्ट की तरफ एडजस्ट हो गया। इस पर जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार आपका डेटा यहाँ से लेफ्ट की तरफ एडजस्ट होता चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से चाहें तो आप राइट की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए आप इसे चाहें राइट या लेफ्ट जैसे भी चाहें इसको ईजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पर सॉर्टिंग का ऑप्शन। अब ये सॉर्ट ऑप्शन काफ़ी काम का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ मैटर तैयार कर लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया नेम। नेम लिखने के बाद यहाँ पर हम 3-4 नाम ले लेते हैं, जैसे हमने दे दिया अभय। अब ये जो नाम है हमारे वो अल्फ़ाबेटिकल हैं, हम उनको क्या करना चाहते हैं, शॉर्टिंग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ए वाले नाम पहले आ जाए, बी वाले नाम बाद में आए, सी वाले नाम उसके बाद आए। तो इस तरीके से हमारा ये जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाए। तो इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो ये नाम है, यानी नाम एक हेडिंग है, तो इसको हेडिंग को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। अब हम जब भी सॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा पूरा का पूरा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डिसेंडिंग असेंडिंग यहाँ से ऑटोमेटिक वो वर्क करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग हमारा काम करेगा। यहाँ मान लीजिए हमने असेंडिंग ले लिया, असेंडिंग को सिलेक्ट करके जैसे हम ओके करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये जो हमारा नाम था वो बेसिकली एक हमारी हेडिंग थी। हम चाहते हैं कि हेडिंग को छोड़कर जितना भी नाम हो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग हो, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस से इस पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम एक नाम को और ऐड कर देते हैं, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर पंकज। और अब पूरे मैटर को हम क्या करेंगे, जैसे आप सॉर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये जो मैटर है वो क्या चीज़ है, आप यहाँ पे बता सकते हैं कोई पैराग्राफ है, हेडिंग है या कोई फील्ड है। तो हमने फिलहाल ले लिया यहाँ पर पैराग्राफ। पैराग्राफ लेने के बाद इसको कितने तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 3 टाइप हैं। आप टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, नंबर को सॉर्ट कर सकते हैं और किसी डेट को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग का, आप इसे असेंडिंग कर सकते हैं या तो डिसेंडिंग कर सकते हैं। अब इसको लेने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको डिसेंडिंग में सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा हेडर रो, तो यहाँ पर आपको हेडर रो पर क्लिक कर देना है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा ये जो हेडर था वो हेडर यहाँ से शॉर्ट नहीं होगा, उसके बाद नीचे का जितना भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे ही आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो हेडर था वो वैसे का वैसे ही है और हमारा जो अल्फ़ाबेट था वो यहाँ पर सॉर्टिंग हो चुका है, डिसेंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसे असेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सॉर्ट पर क्लिक करना होगा। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ रखना है, टेक्स्ट रखना है और यहाँ पर असेंडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पर हेडर रो को सिलेक्ट करना मत भूलना। आपको यहाँ पर हेडर रो को सिलेक्ट करके रखना है और सिंपली यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका यहाँ से मैटर जो था वो सॉर्ट हो चुका है। हमने यहाँ से स्पेस भी ले लिया था इसलिए यहाँ पर नीचे स्पेस आ गया है, तो इसको हम कट कर देते हैं।
तो इस तरीके से आप सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सॉर्टिंग के जो ऑप्शंस हैं इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, देन और बाय और हेडर, इस पर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे केस सेंसिटिव वगैरह की बात करें तो केस सेंसिटिव वगैरह जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा सेम नाम को, यानी सेम अगर हमारे पास डेटा है तो उसको सेंसिटिव केस में किस तरीके से सॉर्टिंग करें। तो इन सब चीज़ इस चीज़ के बारे में हम अगर बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना कर दूंगा जिसमें हम इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके कवर करेंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन है यहाँ पर शो और हाइट का। शो और हाइट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक वर्ड के लास्ट में हमारे सामने यहाँ पर ये मार्क नज़र आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जो भी हमारा पैराग्राफ एंड होता है उस पैराग्राफ की एंडिंग ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया, यहाँ पर मान लीजिए हमने तीन पैराग्राफ ले लिए और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं उन सभी पैराग्राफ के एंड में आप देखेंगे ये मार्क बनकर आ रहा है, यानी कि ये आपको बताएगा कि आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ पर एंड हुआ है। इस मार्क के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो मार्क था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ अलाइंस हैं, अलाइनमेंट्स हैं, इनको कैसे आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से क्लिक किया मैटर को और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ये मैटर हमारा इस पैराग्राफ से हट गया, यानी कट के अलग हो गया है और इस लाइन के आगे हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मैटर ऑलरेडी लेफ्ट में है, जैसे आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका मैटर जो भी था वो आपका सेंटर में आ जाएगा, और अगर आप राइट की तरफ क्लिक करेंगे तो आपका जो मैटर था वो राइट साइड में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इसको लेफ्ट राइट सेंटर तीनों ही पोजीशन में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा जस्टिफाई का। अब ये जस्टिफाई कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो मैटर है वो क्या है, वो सीक्वेंस में है। यहाँ पर देखेंगे कोई भी आगे पीछे मैटर नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस में है। और अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैटर आगे पीछे है। तो हम चाहते हैं कि जैसे इस तरफ हमारा मैटर बिल्कुल सीक्वेंस में है, इक्वली है, वैसे यहाँ पर भी इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जस्टिफाई पे क्लिक करना होगा। जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी आपका मैटर जो था वो जस्टिफाई हो गया, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो मैटर था वो इक्वल पोजीशन में यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर बीच में कोई मैटर एक्स्ट्रा ऐड भी करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीक्वेंस दोनों तरफ यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ये यूज़ होता है हमारे जस्टिफाई का। जस्टिफाई के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिंग की तो आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि इनके लाइन के बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप के आप स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो नॉर्मल स्पेस होता है वो 1.15 होता है। इसके अलावा आप जो भी स्पेस एक्स्ट्रा देना चाहें यहाँ पर आप चाहें तो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लाइन का स्पेस होगा, इससे ज़्यादा स्पेस यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ पर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप रिमूव आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ के बाद का स्पेस होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ईजिली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नज़र आएगा यहाँ पर ऑप्शन कलर्स का। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इस हेडिंग को सिलेक्ट करके इसको कलर वाइज हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने रेड कलर, येलो कलर, कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप कलर देंगे तो ये पूरा का पूरा लाइन हमारा जो होगा वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो वापस से आपको इसको सिलेक्ट करके रखना होगा और यहाँ पर आपको नज़र आएगा नो कलर का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कलर था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है हमारा बॉर्डर्स। आप चाहें तो पूरे मैटर को बॉर्डर में बंद करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूरे पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स आपको नजर आएंगे। जो भी बॉर्डर आप यहाँ पर लेना चाहें वो बॉर्डर यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया, जैसे हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ यहाँ पर बॉर्डर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी बॉर्डर को हटाना चाहते हैं, जैसे बॉटम का बॉर्डर हटाना चाहते हैं, लेफ्ट का बॉर्डर हटाना चाहते हैं, टॉप का, लेफ्ट का, राइट का, मतलब जिस साइड का भी आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे वो बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ टेबल का भी आपके सामने ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेंसिल आ जाएगी। इस पेंसिल से चाहें तो आप अपने हिसाब से भी कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी टेबल आप यहाँ पर इजिली बना सकते हैं। इसके बारे में और वीडियो में हम देखेंगे।
इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में भी मिलेगा, तो हम उस वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। पैराग्राफ के लिए हम इज इक्वल टू RAND रैन टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप चाहें तो बहुत सारे आपको स्टाइल्स दिए गए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारी हेडिंग्स मिलेंगी, सब हेडिंग्स मिलेंगी। इसमें से आप कोई भी हेडिंग चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली हेडिंग सिलेक्ट कर ली है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी खुद की भी हेडिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है क्रिएट स्टाइल पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे स्टाइल का नाम मांगेगा, यानी जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे स्टाइल्स के नाम दिए गए हैं तो यहाँ पर आप अपना स्टाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया डेमो। डेमो नाम देने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन के ऊपर और यहाँ पर आप देखेंगे डेमो नाम से हमारे सामने एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मॉडिफाई का। इस मॉडिफाई ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी और इसके बाद आप चाहें तो अपने हिसाब से आप कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसके स्टाइल को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप चाहें तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर साइज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये कलर इसको दे दिया। और यहाँ से आप चाहें तो आप इसके अलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मान लीजिए हमने यहाँ से ले लेते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे हम लेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो मैटर था यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद जैसे आप यहाँ पर ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मैटर था यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, यानी आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो हेडिंग थी वो यहाँ पर डेमो नाम से यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और अब आप इस डेमो नाम की हेडिंग को किसी भी पैराग्राफ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करके सीधे डेमो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे जो हमने यहाँ पर स्टाइल बनाया था वो स्टाइल यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग हमने की है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा मैटर जैसा था वैसा ही ये नॉर्मल फिर से हो गया। जो भी हमने इसके अंदर हेडिंग लगाई थी या जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अप्लाई स्टाइल का। तो अप्लाई स्टाइल कैसे यूज़ होता है, मान लीजिए हम यहाँ से एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है अप्लाई स्टाइल पर। अप्लाई स्टाइल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल नेम दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टाइल दिखाई देंगे। जैसे हमने डेमो जो क्रिएट किया था वो भी यहाँ पे आ गया। तो जितनी भी हेडिंग्स इसके अंदर हैं वो सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। उन सभी हेडिंग को आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से आप कोई हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर लिया। हेडिंग 2 को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारा वो हेडिंग 2 सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर हमारा जो मैटर था वो हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी भी स्टाइल को किसी भी पैराग्राफ के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइंड ऑप्शन की। फाइंड ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेविगेशन पैनल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस नेविगेशन पैनल में आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको हेडिंग नज़र आएगा। इस हेडिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में हमने जितनी भी हेडिंग्स बनाई हुई हैं वो सभी हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जिस भी हेडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस हेडिंग पर पहुँच सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर पेजेस का। पेजेस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी पेजेस हमने इस डॉक्यूमेंट में ले रखे हैं वो सभी पेजेस यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। जिस भी पेज पर आप जाना चाहते हैं डायरेक्टली तो उस पेज पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पेज पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप वन पेज टू अनदर पेज आसानी से पहुँच सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिजल्ट का एक ऑप्शन। इस रिजल्ट में आप देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है कि टेक्स्ट कमेंट्स पिक्चर्स वर्ड कैन बी फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को ऐड करना है यानी उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं योर,
जैसे हमने योर टाइप किया तो आप देखेंगे हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर योर लिखा होगा वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, यानी वो सभी वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी योर्स है और यहाँ पर भी योर्स है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने वो सभी पैराग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएंगे जिस पैराग्राफ में योर का यूज़ किया गया है। तो आप जिस भी पैराग्राफ को आप फाइंड करना चाहते हैं डायरेक्टली उस पैराग्राफ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे उसी पैराग्राफ पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली नेविगेशन पैनल का यूज़, इसको फिलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप फाइंड पर जैसे ही ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा एडवांस फाइंड का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर फाइंड का आएगा। इस फाइंड में जो हमने वर्ड फाइंड किया था वो यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया। अगर मुझे यही वर्ड दोबारा से फाइंड करना है तो यहाँ पर मैं जा करके फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये मुझे एक एक करके उस जगह पर ले जाएगा जहाँ जहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो एक एक करके मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ। और अगर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हाईलाइट्स वाले सेल पर क्लिक करके जैसे यहाँ पर हाईलाइट ऑल पर क्लिक करूँगा तो जिस तरीके से वहाँ पर डॉक्यूमेंट मेरा हाईलाइट हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं और फाइंड नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फाइंड इन का ऑप्शन है। फाइंड इन में सबसे पहला ऑप्शन है करंट सिलेक्शन। अगर आपने कोई सिलेक्शन लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी में से डॉक्यूमेंट को फाइंड करना तो आप करंट सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो मेन डॉक्यूमेंट है, आप पूरे डॉक्यूमेंट में से कहीं से भी कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर सिर्फ कमेंट में से आप किसी डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो जैसे ही आप कमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में हमने जो भी कमेंट लगाया होगा ये सीधे हमें उसी जगह पर रिप्रेजेंट करा देगा, यानी उसी जगह पर पहुँचा देगा। तो आप फाइंड इन यानी इस कमेंट में से कोई भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर लेंगे अपना मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ पर आप चले जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेस ऑप्शन की। रिप्लेस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा फाइंड वर्ड यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है। अब यू की जगह पर मुझे मान लीजिए रिप्लेस में योर लिखना है तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मैं योर टाइप करूँगा और रिप्लेस ऑल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 139 रिप्लेसमेंट हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। 139 रिप्लेसमेंट पर जैसे हम यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर यू लिखा था उसको इसने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर योर लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस का मतलब आप एक एक करके अगर रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ से एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सबसे पहले योर को फाइंड करते हैं और योर को फाइंड करने के बाद यहाँ पर हम रिप्लेस वर्ड में रख देते हैं यू और उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं फाइंड नेक्स्ट। जैसे हमने देखा यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में यहाँ पर हमारे सामने रिप्रेजेंट हो गया वो डेटा और यहाँ से जैसे मैं रिप्लेस करूँगा तो आप देखिए एक वर्ड हमारा यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो एक एक करके अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय लगेगा और रिप्लेस ऑल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट में आपका योर लिखा होगा उसकी जगह पर यू रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिप्लेस और रिप्लेस ऑल का यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गो टू। गो टू में सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई देगा पेज का। आप यहाँ से चाहें तो किसी भी पेज पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप किया 10 नंबर पेज और जैसे ही हम यहाँ पर गो टू पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे 10 नंबर पेज पर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा पेज नंबर 10 ऑफ 18 यानी टोटल पेजेस हमारे पास 18 है और हम 10 नंबर पेज पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर पेज डायल करके ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर पेज पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। अगर आपने सेक्शंस बनाए हुए हैं तो सेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप उस सेक्शन को सिलेक्ट करके डायरेक्टली वहाँ पर नेक्स्ट करके उस जगह पर जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी लाइन पर जाना चाहते हैं तो लाइन को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जिस भी लाइन पर आपको जाना है उस लाइन को यहाँ पर उस नंबर को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर 22 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गो टू पर क्लिक करना है। जैसे आप गो टू पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली 22 नंबर लाइन पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जंप कर जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे बुकमार्क। बुकमार्क का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से किसी वर्ड को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस वर्ड के ऊपर हम बुकमार्क लगा देते हैं। मान लीजिए हमने अवेलेबल को सिलेक्ट किया और अवेलेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुकमार्क का एक ऑप्शन और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया ए और ए को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और उसके बाद होम टैब में जा करके वापस से हम फाइंड वाले वर्ड को क्लिक करते हैं, एडवांस फाइंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं गो टू ऑप्शन पर।
गोटू पर जाने के बाद यहाँ से आपको बुकमार्क सेलेक्ट करना है। बुकमार्क में यहाँ पर ए बी सी जितने भी आपने बुकमार्क लगाए होंगे वो सारी आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। उस वर्ड को सेलेक्ट करके जैसे आप गोटू पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से आप किसी कमेंट पर जाना चाहें तो कमेंट को सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो जो भी आपने कमेंट यहाँ पे लगाया हुआ है डायरेक्टली आप वहाँ पे जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने फुटनोट का यूज़ किया हुआ है, एंडनोट का यूज़ किया हुआ है या किसी फील्ड या किसी पिक्चर का यूज़ किया हुआ है तो डायरेक्टली आप उस जगह पर यहाँ पे जंप कर जाएंगे। तो फुटनोट के लिए बताऊँ, फुटनोट के लिए आपको यहाँ से जाना होगा रेफरेंस टैब के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फुटनोट का एक ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फुटनोट आपका लग चुका है, इसमें जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन देना चाहें वो दे सकते हैं। और उसके बाद हम चले जाते हैं वापस से होम टैब पर और यहाँ से चले जाते हैं फाइंड वाले ऑप्शन पर और यहाँ से चले जाते हैं गोटू पर। गोटू पर जाने के बाद यहाँ पर हमने फुटनोट को सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्टली वो हमें यहाँ पर जंप करा देगा। तो इस तरीके से आप इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए इन सभी ऑप्शन की मदद से वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पर जंप कर सकते हैं, बहुत आसानी से उस जगह पर पहुँच सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे फाइंड रिप्लेस गो टू का ऑप्शन। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी दी है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट का, सेलेक्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितना भी डेटा आपने इस पेज पर बनाया होगा वो सभी का सभी एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर आपने कोई पिक्चर ली हुई है या फिर कोई ग्राफिक लिया हुआ है, कोई इमेज ली हुई है या फिर कोई भी शेप ली हुई है तो डायरेक्टली ये आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ। बेसिकली हमारा डेटा इसलिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने ये जो डेटा लिया है वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, हमने नेट से इसको डेटा को उठाया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हम कोई पिक्चर यहाँ पर खुद से इंसर्ट कर लेते हैं तो इंसर्ट में जा करके यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस डिवाइस को सिलेक्ट करके यहाँ से हम कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे डेस्कटॉप पर हम चले गए और डेस्कटॉप से हमने एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर ली। मान लीजिए ये पिक्चर हमने यहाँ से इंसर्ट कर ली। इस पिक्चर को लेने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट रैपिंग करा देते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ से इस पिक्चर को कहीं पर भी रख देते हैं। इसके अलावा इंसर्ट टैब में जा करके हम यहाँ से कोई शेप भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब हम जा करके सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर जैसे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा देखेंगे आप सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाने वाला ऑप्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मतलब यहाँ पर अगर आपका सिमिलर फॉर्मेटिंग का डेटा आपको सेलेक्ट करना है तो जैसे मान लीजिए हमने इस वाली डेटा को सिलेक्ट किया, इस वाले डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम गए सेलेक्ट ऑप्शन पर और यहाँ पर ले लिया हमने सेलेक्ट ऑल सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग थी वो सभी सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ आप नीचे आइए, नीचे आकर के अगर आप देखेंगे तो नीचे आने के बाद भी ये टेक्स्ट भी हमारा सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये सिमिलर फॉर्मेटिंग है, यानी कि मिलता जुलता है। तो जो भी सिमिलर फॉर्मेटिंग होगी वो आप यहाँ पर ईजिली इस ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सेलेक्ट पेन्स का। इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर श्योर हाइट का एक ऑप्शन है और यहाँ पर पिक्चर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जो पिक्चर हमने यहाँ पर अभी इंसर्ट की थी उस पिक्चर को यहाँ से आप चाहें तो शो और हाइड भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अपनी पिक्चर पर वापस चले जाते हैं तो जैसे हम पिक्चर या रेक्टेंगल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे तीनों पिक्चर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। पहले जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल है, इस पर जैसे हम हाइड करेंगे इसको तो रेक्टेंगल हमारा हाइड हो जाएगा। यहाँ से पिक्चर को अगर हम हाइड करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे पिक्चर भी हमारी हाइड हो जाएगी और यहाँ पर पिक्चर 16 जो नज़र आ रहा है वो इसके अंदर जो भी पिक्चर हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और इस तरीके से आप अगर इसको हाइड अनहाइड करना चाहें तो यहाँ से शो पर क्लिक करेंगे तो शो हो रहा है, हाइड करेंगे तो हमारा डेटा हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन पैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एडिटिंग ब्लॉग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।